Hello students, today I am going to teach you the next topic of trigonometry, that is trigonometric ratio of specific angle. तो trigonometric ratio of specific angles में आप लोग एक specific angle के बारे में बात करने वाले हैं. For example, जैसे आप 0 degree के बारे में पढ़ने वाले हैं कि sin 0 की value क्या होती है. आप 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree इन specific angles के ऊपर बात करने वाले हैं. इनमें अलग अलग trigonometric functions क्या क्या behavior और क्या क्या values show करते हैं. तो हम सबसे पहले start कर रहे हैं, जब हम वैल्यू जो ले रहे हैं थीटा की वो ले रहे हैं 0 डिग्री. मैंने कल भी आपके साथ ये भी डिस्कस करा था लास्ट लेक्चर में, तो उसमें ये मैंने आपके साथ ये बताया था कि जैसे साइन थीटा एक फंक्शन का नाम है जो हमें एक वैल्यू ऑफ फंक्शन रेंज में देता है, और उसका जो डोमेन पार्ट है उसमें हमें एंगल डालना पड़ेगा. तो हमने यही डिस्कस करा हुआ है कि इस डोमेन पार्ट में अगर हम थीटा की जगह 0 डालते हैं तो क्या क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, और आइए उसको ऑब्जर्व करते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, हमने पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले के बारे में पढ़ा, जिसमें हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कॉसेक इन सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं. तो हमने ये पढ़ा था साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनियस होती है, और इसमें यूज़ में लेते हैं. तो मैंने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करा, और ट्राइंगल में ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसकी वर्टिसेस को मैंने मान लिया ए, ये बी और ये सी. ये जो एंगल ए है इसे मैं थीटा बोल रहा हूँ. इनिशियली आपको ऐसा लग रहा है कि ये थीटा जीरो तो नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इसको जीरो बनाना होगा. जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो सी पॉइंट है इस सी पॉइंट को खींच के लाना होगा बी पॉइंट तक. अगर मैं सी पॉइंट को खींच के बी तक ले आता हूँ तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू रिड्यूस होते होते वो कहाँ तक पहुँच जाएगी, जीरो तक. देखिए कैसा, कि अगर मैं सी को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ तो फिगर ये बन जाएगा, मतलब थीटा पहले से तो छोटा हो गया. अब मैं सी को थोड़ा सा और नीचे ले आता हूँ तो फिगर ये बन जाएगा. अल्टीमेटली सी बिल्कुल नजदीक आ गया तो थीटा और भी छोटा हो गया. इसका मतलब इस फिगर से लेकर इस फिगर तक आप थीटा को ऑब्जर्व करें, और थीटा जो है वो टेंडिंग टूवर्ड जीरो है. जैसे जैसे थीटा जीरो की तरफ जा रहा है तो वैसे वैसे वैल्यूज़ क्या का साइड्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं. जैसे मैं आपसे बात करूं बीसी की वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है, बीसी डिक्रीज हो रहा है, और अल्टीमेटली फाइनली ये जो बीसी है ना लास्ट में जाके ये जीरो के बराबर पहुंच जाएगा. अच्छा, अगर मैं बात करूँ एसी की, एसी ओवरलैप करने वाला है. वैसे तो एसी जो है हाइपोटनियस है, और हाइपोटनियस सबसे बड़ी लेंथ होती है, तो हाइपोटनियस भी डिक्रीज हो रहा है, और लास्ट में जाके जब थीटा जीरो हो जाएगा ना तो एसी एबी के बराबर पहुंच जाएगा, एसी की लेंथ एबी के बराबर पहुंच जाएगी. ठीक है, तो अब ये साइन थीटा या साइन जीरो के बारे में हम बात कर रहे हैं कि साइन जीरो डिग्री क्या देगा. साइन जीरो डिग्री या साइन थीटा के बारे में हमने ये पढ़ा कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनियस, और इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है बीसी, और हाइपोटनियस की बात करूं तो एसी. अच्छा, बीसी के बारे में हमने ये डिस्कस करा कि जैसे जैसे आप थीटा को रिड्यूस कर रहे हो, इसका मतलब ये जो ऊपर वाली लेंथ है बीसी का किस तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ, और जीरो से तो आप कुछ भी डिवाइड करो वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो. दिस इज द ओनली रीजन वाई साइन जीरो इज जीरो. आइए कॉस जीरो को एक बार देखते हैं. कॉस जीरो में क्या होगा कि फॉर्मूला बनेगा बेस अपॉन हाइपोटनियस, और बेस जो है इस ट्राइंगल का विच इज इक्वल्स टू ए बी, और हाइपोटनियस जो है इस ट्राइंगल की वो है एसी. जैसे जैसे ये थीटा जीरो की तरफ जा रहा है वैसे वैसे एसी की लेंथ मैंने आपके साथ डिस्कस करी है कि एसी एबी की तरफ जा रहा है, तो इसमें मैं न्यूमरेटर को तो एबी रहने देता हूँ, और नीचे जो डिनोमिनेटर है एसी की जगह हम लिख देते हैं एबी. एबी से एबी कट जाएगा, इसलिए कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है. अगर हम आपसे बात करें कि टेन जीरो की वैल्यू क्या रहेगी, तो टेन जीरो के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, और परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का है बीसी, और बेस है इस ट्राइंगल का एबी. हमें पता है कि न्यूमरेटर पोर्शन जो बीसी है वो जीरो की तरफ टेंड हो रहा है, इसलिए पूरा का पूरा टेन जीरो भी कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा. सिमिलरली हमें साइन की वैल्यू पता लग गई, कॉस की वैल्यू पता लग गई, और टेन की वैल्यू पता लग गई, तो क्या हम इनके रेसिप्रोकल्स निकाल सकते हैं, ईजिली हम निकाल सकते हैं. जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ कि मुझे कॉसेक जीरो चाहिए, तो कॉसेक जीरो तो होगा 1 अपॉन साइन, क्योंकि कॉसेक थीटा जो है वो हमने पढ़ा हुआ है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है. अच्छा, 1 अपॉन जीरो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड,
क्योंकि इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा, हम इसको नॉट डिफाइंड या फिर इसको इन्फाइनाइट भी बोल सकते हैं। अगर कॉसेक 0 की बात करूं तो नॉट डिफाइंड आएगा। सिमिलरली 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, और कॉट 0 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/10 0, और ये भी चला जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 10 0 भी 0 है तो 1/0 ये नॉट डिफाइंड की स्टेट में चला जाएगा। लास्ट एक बचा है कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो सेक 0 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/cos 0, और कॉस 0 की वैल्यू है 1, इसलिए सेक 0 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 1। तो 0 डिग्री पे या तो इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है फंक्शंस की या फिर हमें 0 वैल्यू मिल रही है। तो साइन और टेन ये दोनों 0s हैं, इसलिए इनके रेसिप्रोकल्स नॉट डिफाइंड हो रहे हैं, और कॉस की वैल्यू 1 है इसलिए सेक 0 की वैल्यू क्या हो रही है 1 के बराबर हो रही है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कॉट 0, तो कॉट 0 में भी एक्चुअली उसको कॉस अपॉन साइन भी लिख सकते हैं। इस कॉट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस 0/sin 0, लेकिन साइन 0 0 के बराबर हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो रहा है, इस वजह से ये फंक्शन नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसलिए हमने अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो अलग अलग फंक्शंस क्या क्या नेचर शो करे वो डिस्कस करा। अब मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ सेकेंड पार्ट, अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 बनाने की कोशिश करूँ। अगर हमने थीटा की वैल्यू 90 बनाने की कोशिश की तो हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, सेम का सेम जैसे पहले ट्राइंगल बनाया था। ये वाला ए एंगल है, ये बी एंगल है, एंड दिस राइट एंगल ट्राइंगल इज राइट एंगल एट पॉइंट बी। मुझे ए एंगल, ये थीटा है, इसको 90 बनाना है। ये 90 तो तभी बनेगा जब मैं ए को बी के नजदीक लाऊंगा, ए को बी के नजदीक लाऊंगा। आइए देखते हैं कैसे। ये बीसी को तो मैंने फिक्स कर दिया, ये बीसी की लेंथ मैंने फिक्स कर दी, और यहाँ पे मैंने ए को थोड़ा सा नजदीक ले लिया, तो इसका मतलब पहले वाला जो थीटा है और अब वाला जो थीटा है वो थोड़ा सा इंक्रीज मिला है थीटा में। फिर मैंने और नजदीक लिया, तो यहाँ वाला जो थीटा है और इससे पहले वाला जो थीटा है उसमें भी थोड़ा सा इंक्रीज मिला, मैं बिल्कुल नजदीक ले आया। ये बीसी है, इतना पास ले आया अपन, तो ये वाला जो थीटा है ऑलमोस्ट 90 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज की स्टेट में आ रहा है, इंक्रीज की स्टेट में। और फाइनली हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि अगर ए पॉइंट बी पॉइंट को टच कर जाएगा तो थीटा कहाँ पहुंच जाएगा, 90 की तरफ। थीटा विल बी टेंडिंग टूवर्ड्स, इट विल बी टेंडिंग टूवर्ड्स 90 डिग्री। अच्छा, देखते हैं क्या क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं साइन 90 की, तो साइन 90 का या मतलब, या फिर साइन ए की बात करें या साइन थीटा की बात करें, तो अगर हम साइन थीटा की बात करेंगे तो हमें थीटा की जगह 90 डालना है, और साइन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनियस। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है बीसी और जो हाइपोटनियस है वो एसी। अच्छा, क्या क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे जैसे मैं ये ए पॉइंट को बी पॉइंट के नजदीक ला रहा हूँ तो ए बी में चेंजेस आ रहे हैं। वो ए बी में क्या चेंजेस आ रहे हैं कि ए बी की जो वैल्यू है वो 0 की तरफ टेंड हो रही है, ए बी की वैल्यू 0 की तरफ टेंड हो रही है सिमिलरली। और ए सी जो है वो ऑलमोस्ट बी सी के बराबर हो रहा है, ए सी ऑलमोस्ट बी सी के बराबर हो रहा है, इसलिए साइन 90 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनियस है और ए सी और बी सी सेम हो रहे हैं। इसका मतलब मैं बी सी को तो बी सी रहने देता हूँ, ए सी की जगह हम वापस से क्या लिख देते हैं बी सी, बी सी से बी सी कट जाएगा इसलिए ये वैल्यू आ जाएगी 1। इसी का रीजन है कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस 90 की वैल्यू, तो इस ट्राइंगल में कॉस 90 में हमें बेस अपॉन हाइपोटनियस लिखना होगा, और इस ट्राइंगल का जो बेस है वो है ए बी, और इस ट्राइंगल का जो हाइपोटनियस है वो है ए सी। अगर मैं आपसे बात करूं कि ए बी की लेंथ, ए बी ऑलमोस्ट 0 की तरफ टेंड हो रहा है, ये 0 की तरफ टेंड हो रहा है, और 0 से आप कुछ भी डिवाइड कर रहे हैं तो आपको कब हमेशा क्या मिलेगा 0, इसलिए कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। अगर मैं आपसे बात करूं 10 90, 10 90 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का है बी सी और बेस है इस ट्राइंगल का ए बी। तो जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू 90 बना रहे हैं तो ए बी की वैल्यू 0 टेंड हो रही है, ए बी की वैल्यू 0 टेंड हो रही है, एंड समथिंग डिवाइडेड बाय 0 टर्न्स टू नॉट डिफाइंड, ये वैल्यू पहुंच जाएगी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट, इसे इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं हम। सेम अगर साइन कॉस और टेन की वैल्यू निकाल ली हमने तो क्या हम इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ इजीली निकाल सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल हमने पढ़ा है कॉसेक, और वो कॉसेक 90 की वैल्यू होगा साइन का रेसिप्रोकल 1/sin 90, साइन 90 की वैल्यू 1 है इसलिए ये 1/1
इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो cos sec 90 भी होगा 1। अगर मैं आपसे पूछूं cos 90 का रेसिप्रोकल होगा sec 90, sec 90 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन cos 90, और cos 90 की वैल्यू है 0, इसलिए sec 90 की वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। अगर मैं आपसे बात करूं tan 90 का रेसिप्रोकल तो होगा वो cot 90, और cot 90 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 90, tan 90 की वैल्यू है नॉट डिफाइंड, इसलिए cot 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो cot 90 को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो cos 90 अपॉन sin 90, और cos 90 0 है क्योंकि न्यूमरेटर 0 है, तो cot 90 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। ये तो बात हुई कि जब थीटा की वैल्यू 0 थी और थीटा की वैल्यू 90 थी, अगर थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री होगा तब हमें क्या करना है। तो मैं जो थर्ड केस ले रहा हूँ कि थीटा की वैल्यू क्या कंसीडर करनी है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अगर मैंने थीटा की वैल्यू कंसीडर कर ली, थर्ड केस, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और एक साथ ही कंसीडर हो जाएगा ये 30 डिग्री, या तो 60 हो या 30 हो। अगर 60 और 30 हो रहा है तो एक काम करते हैं, हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होगा जिसकी सारी एज लेंथ सेम होगी, मतलब ये ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों के तीनों लेंथ सेम आ जाएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात होती है कि उसमें सारे एंगल सेम होते हैं और किसके बराबर होते हैं, 60। तो ये भी 60 हो जाएगा, ये वाला भी 60 हो जाएगा, और अगर मैं आपसे इस एंगल के बारे में बात करूँ ना तो ये एंगल भी हो जाएगा 60। इसमें एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं। मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल का एंगल बायसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अगर मैं इस ट्राइंगल का एंगल बायसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो वो मीडियन की तरह भी काम करेगा, क्योंकि ये जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं आपके सामने ए डी बी और दूसरा ट्राइंगल है ए डी सी, ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं, और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की सारी चीज़ें बराबर होती हैं, इसलिए ये वाला एंगल जो बचा हुआ है ये भी 30 होगा और ये वाला भी 30 होगा, क्योंकि सेम है, और 60 के बराबर बराबर में अगर दो टुकड़े करेंगे तो 30-30 आएगा। सेम इज द केस विद दिस, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, और क्यों 90 के बराबर है, क्योंकि सेम है और ये लीनियर पेयर है, टोटल 180 डिग्री बन रहा है, जिसमें से आधा आधा आपको बांटना होगा तो 90-90 होगा दोनों तरफ। तो मतलब अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन ड्रॉप करते हैं, देखो बीडी और डीसी की लेंथ भी सेम है, अगर आप मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर बायसेक्टर का भी काम करेगा और वो एंगल बायसेक्टर का भी काम करेगा। तो ये तो बात रही इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड एज लेंथ मैंने 2a कंसीडर कर ली, जैसे बीसी की टोटल लेंथ है 2a और एसी की टोटल लेंथ है 2a और एबी की भी टोटल लेंथ है 2a। अच्छा, ये 2a कंसीडर करने का रीजन ये है क्योंकि हमने बीसी के दो टुकड़े करे हैं, एक तो बीडी और डीसी, और ये दोनों के दोनों टुकड़े सेम है, तो मैं एक टुकड़े की लेंथ को a बोल सकता हूँ, क्योंकि टोटल लेंथ 2a है, तो बीडी भी a हो जाएगा और डीसी भी a हो जाएगा। अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करें जिस ट्राइंगल का नाम है ए बी डी, मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ इसे, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी डी, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट और ये हो गया डी पॉइंट। ये जो डी एंगल है ये 90 डिग्री है। ए बी की लेंथ के बारे में बात करूँ तो ए बी की लेंथ हो जाएगी 2a, और अगर मैं बी डी की लेंथ की बात करूँ तो ये वाली लेंथ हो जाएगी a, और यहाँ पे जो एंगल एनक्लोज हो रहा है वो एंगल एनक्लोज हो रहा है 60 डिग्री, और यहाँ पे जो एंगल एनक्लोज हो रहा है वो एंगल एनक्लोज हो रहा है 30 डिग्री। इस ट्राइंगल से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए कैसे, आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अगर आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको परपेंडिकुलर की लेंथ मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, तो इससे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ जाएगी 2a, 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, बेस की वैल्यू है a, और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ad, तो ad का स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे हम। अच्छा, अगर मुझे ad का स्क्वायर निकालना है तो इधर तो प्लस का ए स्क्वायर है, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर की वैल्यू है ad के स्क्वायर के बराबर, तो मेरे पास ad की लेंथ आ जाएगी, ad की लेंथ आ जाएगी रूट 3a, ad इज इक्वल टू रूट 3a, ad की लेंथ आ जाएगी रूट 3a। इसका मतलब हमारे पास जो ट्राइंगल बन रहा है उसमें ad जो है वो रूट 3 है। अब ए बी डी ट्राइंगल को ही कंस्ट्रक्ट करते हैं और सारी वैल्यूज लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी में अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे साइन 60 निकालना है, तो 60 के लिए साइन के लिए फॉर्मूला होता है P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। 60 के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर है और 60 जो लॉन्गेस्ट साइड है वो होगा हाइपोटेनियस, तो
तो परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में 60 के सामने वाला ए डी है और हाइपोटनियस है इसमें ए बी। अच्छा, ए डी की लेंथ हमने निकाली है √3a और ए बी की लेंथ हमने मान रखी थी, अज्यूम की थी 2a। तो यहाँ से ए से ए कट जाएगा, इसलिए साइन 60 की वैल्यू आती है √3/2। सेम इज द केस विद कॉस 60। अगर हम कॉस 60 निकालेंगे तो हमें लिखना होगा बेस अपॉन हाइपोटनियस। इस ट्राइंगल में 60 का जो बेस है वो है बी डी और हाइपोटनियस है ए बी। तो बी डी की लेंथ अगर हम ए बी से डिवाइड करें तो बी डी की लेंथ है ए और ए बी की लेंथ है 2a। ए से ए कट जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू आ जाएगी हाफ। सिमिलरली टेन 60, टेन 60 को हम ऐसा लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 60 एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है वो होगा ए डी और 60 एंगल के लिए जो बेस है वो होगा बी डी। और ए डी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है √3a और बी डी की जो वैल्यू आ रही है वो है ए। ए से ए कट जाएगा और टेन 60 की वैल्यू मिल जाएगी √3। तो इसका मतलब साइन 60 है √3/2, कॉस 60 है हाफ और टेन 60 है √3। अगर मेरे पास साइन कॉस और टेन है तो क्या मैं इनके रेसिप्रोकल्स लिख सकता हूँ? इजीली इनके रेसिप्रोकल्स लिखते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होगा कॉसेक और कॉसेक 60 होगा साइन का रेसिप्रोकल। तो हम कॉसेक 60 को ये लिख सकते हैं 1/sin 60, 1/sin 60, और इसे हम लिख सकते हैं 2/√3। सेम इज द केस विद कॉस 60 का रेसिप्रोकल होगा सेक 60। सेक 60 में आप डाल सकते हो 1/cos 60 और कॉस 60 की वैल्यू आपको पता है, कॉस 60 की वैल्यू है हाफ, तो सेक 60 हो जाएगा 2। सेम इज द केस विद कॉट 60। कॉट 60 होगा 10 का रेसिप्रोकल, जिसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1/tan 60 और टेन 60 की वैल्यू है √3, इसलिए कॉट 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। तो ये तो हमने 60 डिग्री के बारे में देखा। अगर सेम के सेम ट्राइंगल में आप 30 डिग्री को ऑब्जर्व करो तो 30 डिग्री के सामने वाला जो परपेंडिकुलर है वो तो है बी डी लेंथ और जो बेस है वो ए डी लेंथ और जो हाइपोटेनस है वो तो 2a के बराबर, मतलब ए बी लेंथ के बराबर ही रहेगा। तो आइए लिखते हैं हम एक साइन 30 के बारे में लिखते हैं। मैं दोबारा से ये वाला ट्राइंगल रीड्रॉ कर रहा हूँ। इस ट्राइंगल की खास बात थी कि ये वाली जो लेंथ थी वो थी ए बी और ये वाली जो लेंथ थी वो थी ए डी। ये हमने निकाला था √3a, ये हमने निकाला था या अज्यूम किया था 2a और ये आधा हो जाएगा a। और यहाँ पे जो एंगल एनक्लोज हो रहा है वो 30 डिग्री हो रहा है। इसके हिसाब से हम सारे वैल्यूज लिखते हैं। साइन 30 से स्टार्ट करते हैं। साइन 30 का मतलब होगा इस 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनियस। परपेंडिकुलर 30 डिग्री के सामने वाली लेंथ है बी डी और हाइपोटनियस इस ट्राइंगल का वो सेम रहेगा ए बी। तो बी डी की लेंथ तो दे रखी है ए और ए बी की लेंथ दे रखी है 2a, तो ए से ए कट जाएगा, हमारे पास बचेगा हाफ। अब हम आते हैं कॉस 60 के ऊपर। तो कॉस 60 की जो वैल्यू है वो है, या कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। 30 डिग्री के लिए जो बेस है वो है ए डी और 30 डिग्री के लिए जो हाइपोटेनस है वो है ए बी। अच्छा, ए डी की लेंथ क्लियर है कि ए डी की लेंथ है √3a और ए बी की लेंथ 2a। ए से ए कट जाएगा, हमारे पास बचेगा √3/2। ये हमारे पास आएगा कॉस 30 की वैल्यू। नेक्स्ट आएगा टेन 30। टेन 30 के लिए हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस और टेन 30 में परपेंडिकुलर 30 डिग्री का परपेंडिकुलर हो जाएगा बी डी और बेस हो जाएगा 30 डिग्री के लिए ए डी। और बी डी की लेंथ है हमारे पास स्मॉल ए, ए डी की लेंथ है √3a। ए से ए डिवाइड करा हमने तो हमें मिला टेन 30 की वैल्यू और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सेम इज द केस विद कॉट 30। कॉट 30 जो होगा रेसिप्रोकल होगा, तो हम एक काम करते हैं कॉट 30 को डायरेक्टली ये लिख देते हैं 1/tan 30, 1/tan 30। और 1/tan 30 का मतलब ये हुआ कि आपके पास टेन 30 की वैल्यू है 1/√3, तो कॉट 30 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल √3। अगर मैं आपसे बात करूं कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 की वैल्यू होगी 1/sin 30। साइन 30 की वैल्यू आपको आती है हाफ, तो कॉसेक 30 हो जाएगा 2। अगर मैं आपसे बात करूं सेक 30, तो सेक 30 हो जाएगा 1/cos 30। तो कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, तो ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। आप वेरीफाई कर सकते हैं के कॉट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल, कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल और सेक जो है वो है कॉस का रेसिप्रोकल।
तो ये तो था, हमने थीटा की वैल्यू 30 और 60 कंसीडर करी। ये हमने जो केस अभी कंसीडर करा ये था केस 3, जहाँ पे थीटा की वैल्यू हमने 60 और 30 डिग्री मानी है। नेक्स्ट हम जो केस कंसीडर करने वाले हैं वो है केस 4, जहाँ पे हम थीटा को रखने वाले हैं 45 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 45 है तो साइन कॉस टेन कॉट इन सब की वैल्यूज में क्या क्या चेंजेस मिलने वाले हैं वो हम कंसिडर करते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 45 है तो हमें क्या करना होगा, एक राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है। राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ये हुआ कि एक तो राइट एंगल बनना चाहिए, और अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ ए बी सी को, तो इसमें दो एजेस सेम लेंथ की होंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ए सी की लेंथ आएगी और यहाँ पे जो ए बी की लेंथ आएगी, ये बिल्कुल सेम होने चाहिए। राइट आइसोसेलेस का मतलब वो राइट एंगल भी होना चाहिए और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होना चाहिए। मतलब कंस्ट्रक्शन से हमने ऐसा ड्रॉ करा कि जो ए बी की लेंथ है और जो ए सी की लेंथ है, ये दोनों की दोनों लेंथ्स को मैंने सेम रख लिया। नेक्स्ट इसमें कंस्ट्रक्शन और कर देता हूँ, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, तो ये 90-90 है। अच्छा, ये 90 के भी बराबर टुकड़े हो जाएंगे क्या, 45 तो यहाँ पे आ जाएगा और 45 यहाँ पे आ जाएगा, तो हम इस एंगल को लिख देते हैं 45 और इस वाले एंगल को भी लिख देते हैं 45। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूँ, ये एडी तो था परपेंडिकुलर, और ये वाली जो दोनों लेंथ्स है ना, ये भी सेम आ जाएगी, क्योंकि दो जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं छोटे ही, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ये वाला, ये था सी, ये पॉइंट था ए, और इसको हम डी को ला रहे हैं यहाँ तक, और ए और डी को मैंने ज्वाइन कर दिया। अच्छा, ए डी पे यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे 45 है, अच्छा ये बचा हुआ एंगल भी 45 ही होगा, और ये 45 क्यों होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों का सम होता है 180, जिसमें से एक तो 90 और एक 45 है, तो बचे हुए को भी 45 होना पड़ेगा। नेक्स्ट हम इनकी लेंथ्स को एक काम करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। मैंने ए बी की लेंथ को कंसिडर कर लिया स्मॉल ए, मैंने ए सी की लेंथ को कंसिडर कर लिया स्मॉल ए, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो अब मैं पाइथागोरस थ्योरम से कोशिश करता हूँ हाइपोटेन्यूस आ जाए। तो पाइथागोरस थ्योरम ने ये बोला, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। अच्छा, हमारे इस ट्राइंगल में बेस था ए बी जो कि ए स्क्वायर है, हमारे इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर था ए जो कि ए स्क्वायर है, और हाइपोटेन्यूस था बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर जो आ जाएगा हमारे पास 2a का स्क्वायर का होल रूट, मतलब हमें √2a वैल्यू मिल जाएगी इसकी, बी सी का स्क्वायर या बी सी की वैल्यू जो है हमें वो √2a मिल जाएगी। अच्छा, ये वाली जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास आ रही है √2a, √2a। तो एक काम करते हैं, इतने सारे ट्राइंगल को डील करते हैं जिसमें हमें ये वाला लेंथ दे रखा है ए, और ये वाली जो लेंथ है वो हो जाएगी √2a का आधा, और √2a का आधा हो जाएगा a अपॉन √2, तो ये वाली लेंथ हमारे पास आ जाएगी a अपॉन √2। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ जो है ये आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भी निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आप कैसे निकालेंगे कि हाइपोटेन्यूस हो जाएगा आपके लिए सामने वाली साइड, मतलब ए, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमें तो कैसे भी करके है ना बेस मान लेते हैं, ऐसे बेस चाहिए, तो अगर बेस चाहिए तो मतलब ए डी का स्क्वायर चाहिए आपको, और ए डी का स्क्वायर जो है वो ए बाय √2 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बाय 2 जाएगा, तो बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर बाय 2 विच इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर। अगर मैं ए डी के स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन 2 है, तो ए डी की लेंथ निकालूंगा तो मुझे मिलेगा ए अपॉन √2, ए डी की लेंथ आ जाएगी ए अपॉन √2, ये वाली लेंथ आ जाएगी ए अपॉन √2। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है sin 45, तो sin 45 के लिए एक काम करते हैं, ये वाला एंगल कंसिडर कर लेते हैं ए एंगल। तो sin 45 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है जो कि सी डी के बराबर है, और ए जिसके साथ में है वो है ए सी, ए सी हाइपोटेनियस है। अच्छा, सी डी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ ए बाय √2, और ए सी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ ए, ए से ए कट जाएगा, ओनली 1 बाय √2 बचेगा, तो sin 45 की वैल्यू है 1 बाय √2।
अगर मैं आपसे पूछूं कॉस 45, तो कॉस 45 के लिए आप बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटनियस। अच्छा 45 डिग्री, यही वाला 45 डिग्री के लिए बेस हो जाएगा AD और हाइपोटनियस हो जाएगा AC, तो हमारे पास आ जाएगी a/√2 / a। तो a से a कट जाएगा, कॉस 45 की वैल्यू भी क्या आ रही है 1/√2। सेम इज द केस विथ 10/45। 10/45 के लिए हमें लिखना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 45 डिग्री के सामने वाला तो हो गया परपेंडिकुलर, मतलब लेंथ हो गई CD, और 45 डिग्री के सामने वाला जो जिसपे है बेस है वो है AD, और CD और AD तो दोनों a/√2 है, ये भी a/√2 और ये भी a/√2। a/√2 से a/√2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, इसलिए 10/45 की वैल्यू क्या होती है 1। अगर आपके पास sin 45 आ गया, इसका मतलब आपके पास cosec 45 आ गया, और cosec 45 की वैल्यू होती है sin 45 का रेसिप्रोकल, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1/sin 45, और sin 45 होता है 1/√2, इसलिए cosec 45 हो जाएगा √2। सेम इज द केस विथ sec 45। sec 45 जो है वो होगा cos का रेसिप्रोकल, मतलब 1/cos 45, और cos 45 था 1/√2, इसलिए हो जाएगा sec 45 √2। नाउ लास्ट cot 45। cot 45 का मतलब ये हुआ कि 1/tan 45। 10/45 की वैल्यू है 1, इसलिए cot 45 की वैल्यू भी हो जाएगी 1/1, which is equals to 1। तो हमने सारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब के लिए हमने डेरिवेशन कर लिया। अब लास्ट में एक टेबल बना लेते हैं, और टेबल को बनाना कैसे है या रटना कैसे है उसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। तो उसके लिए आप क्या करना, सबसे पहले यहाँ पे आप हेडिंग्स में एंगल्स लिखना। आप यहाँ पे लिखना 0 डिग्री, यहाँ पे लिखना आप 30 डिग्री, यहाँ पे लिखना आप 45, देन आप लिखना 60 डिग्री, एंड लास्ट में आप लिखना 90 डिग्री। शुरुआत आप करेंगे साइन से, तो जैसे साइन की वैल्यू से अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत में आपको लिखना है 0, फिर यहाँ पे लिखना है 1, फिर यहाँ पे लिखना है 2, यहाँ पे लिखना है 3, यहाँ पे लिखना है 4। 4 तक आप लास्ट हाईएस्ट गए, तो आप सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। अब आप देखो 0/4 तो आपको रिजल्ट देगा 0, 1/4। अच्छा एक काम और करना है, सब में ना रूट लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे भी रूट आ जाएगा, यहाँ पे भी रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट, एंड यहाँ पे भी रूट आ जाएगा। तो ये वाला जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 0, ये वाला रिजल्ट मिलेगा आपको हाफ, ये वाला रिजल्ट आपको मिलेगा 1/√2, ये वाला रिजल्ट मिलेगा √3/2, और ये वाला रिजल्ट मिलेगा आपको 1। तो ये फाइनल टेबल बनी है साइन की, ये फाइनल टेबल बनी है साइन की, कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट हमें जो टेबल बनानी है वो है कॉस की। तो अगर कॉस की टेबल बनानी है, तो इसका मतलब जो आपने साइन में लिखा आप उसको उल्टा कर दीजिए। तो आपने जैसे साइन में लिखा है सबसे पहले 0, तो सबसे लास्ट में आप 0 कर दीजिएगा, मतलब ये पूरा का पूरा रिवर्स करना होगा, रिवर्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस, और कॉस में सबसे पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद हाफ, एंड लास्ट में आ जाएगा 0, मतलब जस्ट रिवर्स करके आपको लिखना होगा इसे। नेक्स्ट जब हमारे पास साइन और कॉस हो गए और हमें निकालना है टेन, तो टेन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कि टेन जो होता है वो हमने पढ़ रखा है sin/cos। सिंपली आपको है ना साइन और कॉस की वैल्यूज को डिवाइड करना है। तो सबसे पहली वैल्यू होगी 0/1, और 0/1 हो जाएगा यहाँ पे 0, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1/√3, फिर ये दोनों तो सेम है 1/√2, 1/√2 कैंसिल आउट होके 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा √3, और समथिंग डिवाइडेड बाय 0, तो वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड या फिर इन्फाइनाइट। दिस वॉज अबाउट द 10। अगर आपको 10 की वैल्यू याद हो गई, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉट के लिए आपको रिवर्स लिखना है इसका, तो आपको कॉट के लिए इसका रिवर्स लिखना है। तो कॉट की वैल्यू होगी रिवर्स ऑफ 10, तो इसका मतलब सबसे पहले आएगा इन्फाइनाइट, नेक्स्ट नंबर पे आएगा √3, देन 1, देन 1/√3, एंड लास्ट में आ जाएगा 0। अगला
टेन के बाद कॉट हो गया, अब हमें देखना है इसकी वैल्यू। सॉरी, नेक्स्ट हमें देखनी है वैल्यू सेक और कॉसेक की। तो शुरुआत करते हैं कॉसेक से। हमने पढ़ा है कि कॉसेक जो होता है वो किसी का रेसिप्रोकल है और वो है वन अपॉन साइन का। तो आप साइन की जो भी वैल्यूज ऑब्टेन हुई है उनको रेसिप्रोकेट करिए। तो साइन का जीरो का रेसिप्रोकल अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा इन्फाइनाइट। अगर आप हाफ का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको मिलेगा टू। 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको मिलेगा √2। √3/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल तो आपको मिलेगा 1। तो कॉसेक की वैल्यू तक पहुंच गए, अब हमें चलना है सेक तक। तो सेक के लिए हमें क्या करना होगा, जस्ट रिवर्स करना है। जो हमें कॉसेक की वैल्यूज मिली हैं उनको हमें उल्टा लिखना है। तो हम ये रिवर्स लिख देते हैं, यहाँ पे रिवर्स करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेक और सेक हो जाएगा रिवर्स ऑफ कॉसेक। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी सबसे पहले 1, फिर आएगी 2/√3, फिर आएगी √2, फिर आएगी 2 एंड लास्ट में आ जाएगा इन्फाइनाइट। ये टेबल अभी अभी सारी वैल्यूज हमने है ना डिराइव की है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो डिराइव है इनका डेरिवेशन तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये टेबल की वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। क्योंकि कोई से भी क्वेश्चन में कोई से भी एंगल के लिए, जैसे सेक 30 पूछ सकता है, कॉसेक 30 पूछ सकता है, कॉसेक 60 पूछ सकता है, तो ये टेबल के एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए। तो लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको सिखा दी है। इस तरीके से आपको टेबल डिजाइन करनी होगी और यहाँ से फिर वैल्यूज आपको जो भी चाहिए हो आप वहाँ से उठा के अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो ये कंसेप्ट हमने पढ़ा है इसके अंदर हमारी ऑब्जर्वेशंस देखिए क्या क्या है। आप ये देख रहे होंगे कि 0 से 90 के बीच में कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस नहीं कर रहा। 0 से 90 के बीच में कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो हम नोट डाल देते हैं। फॉर थीटा 0 डिग्री टू 90 डिग्री वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव। नेक्स्ट आप ये देखिए, अगर हम थीटा को 0 से लेकर 90 ले जा रहे हैं तो उस वक्त साइन थीटा जो है वो 0 से 1 जा रहा है और कॉस थीटा जा रहा है 1 से 0। तो आपको ये ध्यान रखना है, इफ थीटा गोज फ्रॉम 0 टू 90 देन वैल्यू ऑफ पहला साइन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा चेंजेस फ्रॉम 0 टू 1 एंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा चेंजेस फ्रॉम जस्ट ऑपोजिट 1 टू 0 एंड वैल्यू ऑफ टेन थीटा। अगर आप टेन थीटा को देखेंगे तो टेन थीटा 10 0 पे तो 0 था। वैल्यू ऑफ टेन थीटा चेंजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनाइट, ये 0 टू इन्फिनाइट। आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है थर्ड पॉइंट के, साइन थीटा की जो मैक्स वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज 1। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज 1। ये भी ध्यान रखना कि साइन और कॉस की जो मैक्स वैल्यू है 1 1 है, और जो टेन थीटा है वो तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो नॉट डिफाइंड है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो फंक्शन इन्फिनिटी तक जा रहा है। अच्छा, ये सारा का सारा जो भी हमने पढ़ा ये सम स्पेशल स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में डिस्कशन किया, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्या इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री है,
15 डिग्री है, 18 डिग्री है, ये हम नहीं निकाल सकते हैं, हम इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमारे करिकुलम में नहीं है। जैसे ही आप क्लास 11th में आएंगे फिर से आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और उसके अंदर आप 15 डिग्री, 18 डिग्री, इन सब की वैल्यूज निकालना वापस से सीखेंगे। 27 डिग्री, 22.5 डिग्री, 11 1/4 डिग्री, ये सारे एंगल्स साइन के ऊपर, कॉस के ऊपर, इन सब की वैल्यूज आप निकालना सीखेंगे फॉर द क्लास 11th। अच्छा, अभी के लिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, जो भी कुछ आज का सीखा हमने उसके ऊपर कुछ इलस्ट्रेशंस। सबसे पहला इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 1 होगा कि आपको कॉस स्क्वायर 30 इवेल्युएट, देखिए इवेल्युएट कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस 1/3 ऑफ 10^60, माइनस 1/3 ऑफ 10^60। इनमें सबकी वैल्यूज डालनी है, टेबल में देख के आप डाल सकते हैं। जैसे अगर आप टेबल पे जाएंगे तो कॉस 30 की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी √3/2, और √3/2 का आपको यहाँ पे लिखना होगा होल स्क्वायर। प्लस अगर आप साइन 45 को देखेंगे तो मिलेगा 1/√2, और यहाँ पे आपको 1/√2 का लिखना होगा होल स्क्वायर। माइनस 10^60 को देखेंगे तो आपको मिलेगा √3, और √3 का यहाँ पे आपको लिखना होगा होल स्क्वायर। तो √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 3/4, अगर आप 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2, और अगर आप √3 का स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलेगा 3। देखिए 3 से 3 कट गया, ओनली 1 बचा, यहाँ पे हाफ, और यहाँ पे हमारे पास बच रहा है 3/4, और 3/4 में अगर हाफ माइनस 1 करेंगे हम तो मिलेगा हमें 3/4 माइनस हाफ। मैंने एलसीएम लिया, 4 मेरा एलसीएम आ गया, और यहाँ पे मेरे को 3 - 2 मिलेगा, और 3 - 2 की वैल्यू होती है 1/4। सो कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस 1/3 ऑफ 10^60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/4। एक और एग्जांपल इसी टाइप का कंसीडर करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सबसे पहला कॉस 60 प्लस साइन 45, कॉस 60 प्लस साइन 45 माइनस कॉट 30 होल अपॉन 10^60 प्लस सेक 45 माइनस कॉसेक 30 डिग्री। इन सब की वैल्यूज आपको डालनी है, सिंपली टेबल से उठानी है। कॉस 60 की वैल्यू अगर आप टेबल पे देखेंगे तो आपको मिलेगी वैल्यू हाफ, साइन 45 की वैल्यू आपको मिलेगी 1/√2, माइनस कॉट 30 की वैल्यू आपको मिलेगी √3 होल अपॉन 10^60 की वैल्यू मिलेगी √3, सेक 45 की वैल्यू मिलेगी √2 माइनस कॉसेक 30, कॉसेक 30 होगा साइन 30 का रेसिप्रोकल, तो आपको मिलेगी वैल्यू 2। तो आप ऊपर एलसीएम ले लीजिए, 2√2 एलसीएम आएगा। 2√2 में सबसे पहली क्वांटिटी हमें जो मिलेगी वो मिलेगी √2, नेक्स्ट क्वांटिटी जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 2, और ये जो लास्ट वाली क्वांटिटी हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी माइनस का 2√6 होल अपॉन √3 प्लस √2 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस √2 माइनस 2√6 होल अपॉन, मैं 2√2 को ब्रैकेट में रखता हूँ तो मुझे मिलेगा √3 प्लस √2 माइनस 3 + √2 माइनस 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस वाले एक्सप्रेशंस का। और इसी टाइप के और क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं जो इस कंसेप्ट में बनेंगे, अगला क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। जैसे साइन ए माइनस बी की वैल्यू देखिए, हमें दे रखा होगा इफ इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू हाफ, साइन ए माइनस बी की वैल्यू हमें दे रखी होगी क्वेश्चन में हाफ। मोरओवर एक वैल्यू और देगा, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू भी आपको साथ में दे दी हाफ,
ऑल्सो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ. आपको ए और बी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, देन फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. आप ए और बी की वैल्यू निकाल के दीजिए. तो अगर आपसे कहा जा रहा है ए और बी की वैल्यू निकाल के दीजिए, तो आपको क्या करना होगा, आप टेबल में सर्च कीजिए कि साइन थीटा में हाफ किसके सामने मिल रहा था. तो आप जैसे ही सर्च करेंगे तो साइन थीटा हाफ आ रहा था 30 डिग्री पे, मतलब इस थीटा ए माइनस बी को होना पड़ेगा 30 डिग्री. सेम इज द केस विथ दिस. आप कॉस के टेबल में सर्च कीजिए कि हाफ कब आ रहा था, आप देखेंगे कि 60 डिग्री पे हाफ आ रहा था. इसका मतलब ए माइनस बी को तो आपको लिखना होगा 30 डिग्री के बराबर, और ए प्लस बी को आपको लिखना होगा 60 डिग्री के बराबर. तो ऐसा करने से जब आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे तो आपके पास 30 प्लस 60 तो हो जाएगा 90 डिग्री. बी से बी कैंसिल आउट और ए प्लस ए हो जाएगा 2a. 2a की वैल्यू 90, मतलब ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 45 डिग्री. ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 45 डिग्री. अगर ए की वैल्यू 45 डिग्री है और हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया ए 45, तो हमें 45 माइनस बी इज इक्वल्स टू 30. मैंने फर्स्ट इक्वेशन में ए की जगह 45 डाल दिया, यहाँ से मुझे बी की वैल्यू मिल जाएगी 45 माइनस 30 डिग्री, एंड 45 माइनस 30 डिग्री इज 15 डिग्री. सो द वैल्यू ऑफ बी इज 15 डिग्री. आपको एक ऐसे ए और बी की वैल्यू निकालनी थी जो दो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, मतलब साइन ए माइनस बी हाफ हो जाए और कॉस ए प्लस बी भी हाफ हो जाए, तो इस तरीके से निकालेंगे. आइए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का डिस्कस करते हैं. अगला क्वेश्चन, इफ 10 3 प्लस 3x प्लस 30, इफ 10 3x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, फाइंड x. आपको x की वैल्यू बतानी है जब 10 3x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 हो जाए. अब मैंने ये पढ़ा है टेबल में, देखो आप कि 10 के अंदर 10 थीटा 1 कब आ रहा है, कौन से एंगल पे आ रहा है. तो आप ऑब्जर्व करेंगे ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा, मतलब 45 डिग्री पे 10 45 की वैल्यू मुझे 1 मिल रही है. इसका मतलब 3x प्लस 30 डिग्री को आपको 45 डिग्री के बराबर लिखना होगा. अच्छा, इधर प्लस का 30 डिग्री है, अगर ये उधर जाएगा तो माइनस का 30 होगा, मतलब 3x की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करेंगे तो हमें मिलेगा 15 डिग्री. तो इसका मतलब 3x की वैल्यू आ रही है 15 डिग्री, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 15/3. सो द वैल्यू ऑफ x इज 5 डिग्री. x की वैल्यू आ रही है 5 डिग्री. एक दो क्वेश्चन और इसी टाइप के और कंसीडर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन a प्लस 2b की वैल्यू दे रखी है √3/2. इफ द वैल्यू ऑफ साइन a प्लस 2b is equals to √3/2 and value of cos a plus 4b, cos a plus 4b की वैल्यू दे रखी है हमें 0. हमें sin a plus 2b की वैल्यू √3/2, cos a plus 4b की वैल्यू दे रखी है. वी हैव टू फाइंड a एंड b, हमें a और b की वैल्यू डिटरमाइन करनी है. सेम इसमें ही कंसेप्ट लगाना है, आप टेबल में जाना होगा, आपको देखना होगा ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें आपको वैल्यू साइन के अंदर ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें वैल्यू आपको √3/2 मिल रही है. तो यू विल ऑब्जर्व ये जो एंगल है ये 60 डिग्री होगा. ऐसी कॉस के अंदर ऐसा कौन सा एंगल है जो वैल्यू 0 दे रहा है, आप ऑब्जर्व करो ये एंगल होगा 90. मतलब आपको दो इक्वेशंस लिखनी है जहां पे a प्लस 2b तो होगा 60 और a प्लस 4b इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 90. तो आप इन इक्वेशंस को सप्रैक्ट कर दीजिए. ऐसा करने से a तो कट जाएगा, अल्टीमेटली 2b माइनस 4b आपके पास माइनस का 2b आएगा, और 60 माइनस 90 करेंगे अगर आप तो माइनस का 30 आएगा. तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, b की वैल्यू हमें मिलेगी 30/2 विच इज इक्वल्स टू 15 डिग्री. तो b की वैल्यू तो आ गई 15 डिग्री. एक काम करते हैं, ये वाला b फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 60. अच्छा, यहाँ पे मैंने a प्लस
2 × 15 आ जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 60। इधर प्लस का 30 है, उधर जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। 60 - 30 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 30 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ ए इज 30 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 15 डिग्री। अच्छा, और भी कोई एप्लीकेशन हो सकती है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज या इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे? हाँ, हो सकती है। ये आपसे है ना एंगल ऑफ अ ट्राइंगल भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछेगा? आपको कहेगा एक फिगर दे रखी है ट्राइंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन में एक फिगर दे रखी है ट्राइंगल पी क्यू आर विच इज राइट एंगल एट एंगल क्यू, राइट एंगल एट एंगल क्यू, और आपको दो डायमेंशन दे दी। आपको सोचो पी क्यू दे दिया 3 और आपको जो पी आर की लेंथ है वो आपसे दे दी 5, सॉरी पी आर की लेंथ आपको दे दी 6, और आपसे कहा जा रहा है आपको निकालना है क्यू पी आर एंड पी आर क्यू, क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू, ये आपको क्वेश्चन में निकालने को कहा जा रहा है। तो इस केस में क्या करना होगा, आपको ये वाली एज लेंथ निकालनी होगी। और ये कैसे निकालेंगे, जैसे इसको एक्स मान लिया मैंने, मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम ने ये बताया कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होगा वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36 - 9, और 36 में से अगर 9 सप्रैक्ट होगा तो आपको मिलेगा 27। तो मतलब एक्स स्क्वायर अगर 27 आ रहा है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 27 का रूट, और 27 का रूट होता है 3√3, मतलब ये वाली जो लेंथ है वो हो जाएगी 3√3। अब आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे ये वाले एंगल को तो मान लो आप थीटा 1, और ये वाले एंगल को अपन मान लेते हैं थीटा 2। तो अगर मैं आपसे बात करूं मुझे क्यू पी आर निकालना है तो मैं अप्लाई कर देता हूं इसके अंदर साइन थीटा 1। देखिए वैसे तो है ना ये एक्स की निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसके बिना भी काम चल जाता, लेकिन जैसे मैंने आपको सारी डिमेंशन निकाल के दे दी है, जैसे साइन थीटा 1 है तो साइन थीटा 1 में आपको पी अपॉन एच लगाना होगा, और पी अपॉन एच का मतलब आप 3√3/3 लगाएंगे, 3√3/6 लगाएंगे, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर तो है 3√3 और हाइपोटेनस है 90 के सामने वाला 6, तो यहां से हमने इसको काटा तो हमें मिला √3/2। टेबल में देख के देखिए कि √3/2 साइन में कम मिल रहा है, तो हमें पता लगेगा 60 डिग्री पे, तो थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, थीटा 1 इज 60 डिग्री। अगर हमारे पास एक भी थीटा आ जाता है तो बचा हुआ एंगल तो आ ही जाएगा, इजी है। तो हमें पता है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस 90 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इन तीनों का सम किसके बराबर होगा 180, जिसमें से थीटा 1 तो आ गया 60 डिग्री, थीटा 2 को हम थीटा 2 रहने देते हैं अभी, और यहाँ 90 रहने देते हैं, और यहाँ पे 180। एक काम करते हैं सभी को उधर ले जाते हैं, इधर सारे प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में, तो 180 में से हमें 90 भी सब्ट्रैक्ट करना है तो 90 बचेगा, फिर 90 में से 60 भी सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास 30 बचेगा। इसका मतलब थीटा 2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 30 डिग्री, तो ये जो थीटा 2 है ये हो जाएगा 30 डिग्री, और थीटा 1 हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ पे आपको ट्राइंगल के एंगल्स भी निकालने को आ जाए, या फिर वो एंगल देगा और आपसे कहेगा साइड भी निकाल के दे दो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।